Welcome friends, today we learn class 12th lesson 5, India's gift to the world. भारत को संसार को कौन कौन से उपहार दिए उनके बारे में है. इसके टू पार्ट है. फर्स्ट पार्ट है हाउ योगा हील्स, कि कैसे योग है वो हील या उपचार करता है या ठीक करता है. तो इट हैज बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज गुड फॉर यू. यह एक सामान्य ज्ञान की बात हो गई है कि योग है वो आपके लिए अच्छा है. करंटली योगा इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, इंसोमेनिया यानी अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन. वर्तमान में योग से निम्न बीमारियों का उपचार किया जाता है, जैसे कैंसर है, बांझपन है, फेफड़े की बीमारी है, स्नायु तंत्र की बीमारी है, पार्किंसंस डिजीज है, इंसोमेनिया अनिद्रा की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप और जोड़ों का दर्द है. यट फिर भी देयर इज ए वेरी लिटिल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज. लेकिन फिर भी योग विज्ञानी और जो चिकित्सीय समुदाय है उनके अंदर इस चीज की जागरूकता और समझ का अभाव है कि कैसे योग है ठीक करता है. मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट दैट एज मच एज 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड. जो मेडिकल अनुसंधान चिकित्सीय अनुसंधान है उनका आकलन है कि लगभग 90% बीमारियां हैं वो तनाव से संबंधित हैं. ए फ्यू ऑफ मेनी डिजीज एंड कंडीशंस दैट हैव बीन लिंक्ड टू एन ओवर एक्टिव स्ट्रेस रेस्पॉन्स. और इन बहुत सी बीमारियों में कुछ बीमारियां और जो परिस्थितियां हैं जिनका संबंध अत्यधिक तनाव से है उनमें सम्मिलित की जाती हैं. कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय व रक्तवाहिनी संबंधी बीमारियां, डिप्रेशन, अवसाद, एंजाइटी, बेचैनी, सम टाइप ऑफ डायबिटिक मेलिटस ईटीसी और कुछ प्रकार की अत्यधिक मात्रा की शर्करा. व्हाट वी फील एज स्ट्रेस इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स. व्हाट वी फील एज स्ट्रेस, जिस प्रकार हम जैसा कि अपन तनाव महसूस करते हैं यह प्राणकूपी तंत्रिका तंत्र या लड़ो व भागो प्रतिक्रिया है उसका उत्पाद होता है. एन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, इसके अंदर जो हृदय गति है उसमें तत्काल बढ़ोतरी हो जाती है. कार्डिक आउटपुट, हृदय के कार्य में बढ़ावा हो जाता है. ब्लड प्रेशर, रक्त दाब में बढ़ावा, स्वीटिंग, पसीने का आना, स्लो ब्रीदिंग और कम सांस का आना एंड मेटाबॉलिज्म और उपापचय का कम हो जाना कंबाइंड विथ ए टेंसिंग ऑफ मसल्स और इसके अंदर मांसपेशियों के अंदर तनाव भी सम्मिलित किया जाता है. इंटरनली द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स शट डाउन डाइजेशन एंड एलिमिनेशन और ये लड़ो और भागो जो प्रतिक्रिया है वो हमारे पाचन तंत्र को बंद कर देती है और उत्सर्जन तंत्र को भी बंद कर देती है. एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन से, और हमारे जो आंतरिक अंग हैं उनके रक्त प्रवाह को कम कर देती है. शॉर्ट टर्म दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज गुड थिंग. अल्प अवधि की यह तनाव की जो प्रक्रिया है वो एक अच्छी चीज होती है. द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्ड रिपेयर्स अस टू रेस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंट थ्रेट बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट और फ्लिंग फ्रॉम इट. जो लड़ो और भागो प्रतिक्रिया है वो हमें तैयार करती है जवाब देने के लिए किसी वातावरणीय धमकी की, इससे इसके खिलाफ लड़ करके या फिर इससे भाग करके. बट लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट थ्रेट बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट और फ्लिंग फ्रॉम इट, बट लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज हार्मफुल. लेकिन लंबी अवधि का जो तनाव है
वो हानिकारक होता है, प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टियर ऑन द बॉडीज सिस्टम से, यह हमारे जो शरीर के तंत्र हैं उनमें तोड़ फोड़ कर देता है, एंड सीवियरली लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज, और गंभीर रूप से हमारे जो शरीर की प्राकृतिक मरम्मत और उपचार की जो योग्यता है उसको सीमित कर देता है। क्रोनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूस हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल, और जो लगातार या लंबी अवधि का स्ट्रेस है वो हमारे ब्लड के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा को बढ़ा देता है। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हेल्प टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी, यह हार्मोन है वो एक सामान्य स्तर के ऊपर हमारे शरीर को सक्रिय और स्वस्थ रखता है। बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोर्टिसोल कैन सुप्रेस द इम्यून सिस्टम एंड काज स्लीप डिस्टर्बेंस, लेकिन जो कोर्टिसोल हार्मोन की अत्यधिक मात्रा है वो हमारे प्रतिरक्षी तंत्र को दबा देता है और हमारे निद्रा में व्यवधान पैदा करता है, एंड लॉस ऑफ एपीटाइट, और हमारी भूख है उसको कम कर देता है। हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल और उच्च मात्रा का जो कोर्टिसोल है कैन आल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट ब्लड प्रेशर, वह हमारी हृदय गति को बढ़ा सकता है, रक्तदाब को बढ़ा देता है, एंड योर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल, और हमारे कोलेस्ट्रॉल और जो ट्राइग्लिसराइड नामक एक वसा होती है उसके स्तर को भी बढ़ा देता है। द बाय प्रोडक्ट ऑफ कोर्टिसोल एक्ट एज सेडेटिव, और इस कोर्टिसोल के जो सह उत्पाद हैं वो निद्रा का कारण बनते हैं, विच कैन लीड टू चेंज इन मूड, और यह हमारे मिजाज में परिवर्तन कर सकता है, स्पेशली टू फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, और इससे विशेष रूप से अवसाद महसूस होने लग जाता है। फॉर्चुनेटली सौभाग्य से द बॉडी हैज ए नेचुरल काउंटर बैलेंस टू द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, हमारा जो शरीर है वो प्रति संतुलन की स्थिति रखता है लड़ो या भागो प्रतिक्रिया से, काल द पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम और द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, इसको परानुकंपी तंत्रिका तंत्र या आराम प्रतिक्रिया कहते हैं। द पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम एक्टिवेटेड व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर हैज पास्ड और एंडेड, जो हमारा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है वह सक्रिय होता है जब कोई धमकी चली जाती है या समाप्त हो जाती है। बट इट कैन आल्सो कंटिन्यू कॉन्शियसली एक्टिवेटेड बाय डीपनिंग द ब्रीथ एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटन मसल से, लेकिन इसको जानबूझ करके भी सक्रिय किया जा सकता है गहरी श्वास के द्वारा और हमारे सर की जो मांसपेशियां हैं उनको शिथिल करके। When activated और जब यह सक्रिय होता है द पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम लोअर ब्लड प्रेशर हार्ट रेट और रेस्पायरेशन, और जब यह सक्रिय हो जाता है नर्व सिस्टम लोअर ब्लड प्रेशर तो यह हमारे रक्तदाब को कम करता है, हार्ट रेट हृदय गति को कम करता है, एंड रेस्पायरेशन और श्वास को कम कर देता है। डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलाउड टू स्टिमुलेटेड, और जो पाचन और उत्सर्जन तंत्र है उसको सक्रिय कर दिया जाता है, एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल टू द डाइजेस्टिव रिप्रोडक्टिव ग्लैंडुलर एंड इम्यून सिस्टम, और इस प्रकार हमारा जो रक्त है वो स्वतंत्र रूप से हमारे पाचन जनन ग्रंथिय और प्रतिरक्षी तंत्र है उनमें प्रवाह करता है, सिस्टम नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, और ये जो तंत्र हैं वो हमारी लंबी अवधि के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स इज आल्सो नोन एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज, और यह आराम की जो प्रतिक्रिया है इसको हम आराम और पुनर्नवीनीकरण अवस्था के नाम से भी जानते हैं। व्हेन द बॉडी हैज द टाइम एंड रिसोर्स टू हील द बॉडी, जब शरीर के पास में समय और संसाधन होते हैं शरीर को ठीक करने के लिए, एंड टू रेस्पॉन्ड टू इलनेस और किसी बीमारी की प्रतिक्रिया के लिए, ओबियसली स्पष्ट रूप से बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, इसके द्वारा बाय इंक्रीजिंग बढ़ा करके द फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, टाइम एंड डेप्थ ऑफ द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स समय और गहराइयां इस आराम प्रतिक्रिया का, वी नॉट ओनली अलाउ अवर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, हम हमारे शरीर को
वी नॉट ओनली अलाउ अवर बॉडी, हम हमारे शरीर को अनुमति नहीं देते हैं कि वह बीमारियों से ठीक हो, बट वी आल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन बाय अलाउंग द बॉडी टू परफॉर्म ऑल इट्स एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क्स। इसके अलावा हम हमारे शरीर को जो दवाइयां हैं उनसे प्रतिरक्षा करते हैं और उसको आवश्यक जो मरम्मत के कार्य हैं उनके लिए तैयार करते हैं। योगा एम्फेसाइजेज ऑन लॉन्ग डीप ब्रीदिंग एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन एक्टिविटीज। योगा है वो गहरी सांस, सजग आराम की जो क्रियाएं हैं, द पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एंड प्रमोट्स इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शन। यह जो प्राणों के पंदंत्रिका तंत्र है उसको बढ़ावा देता है और इसके आराम और पुनर्नवीनीकरण की जो क्रियाएं हैं उनको बढ़ावा देता है। इनफैक्ट वास्तव में ए रिसेंट स्टडी हैज शो योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल इन द ब्लड। हाल के अध्ययन है वो ये बताते हैं कि योगा है वो हमारे ब्लड के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन है उसके मात्रा को घटा देता है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योगा हेल्प टू रिड्यूस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू स्ट्रेसर्स एंड लेजन द इंटेंसिटी ऑफ फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। तो योगा की जो ध्यान की प्रक्रियाएं हैं वो उन प्रतिक्रियाओं को कम कर देती हैं जिनके अंदर दिमाग में तनाव होता है, लेजन द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, और लड़ो और भागो जो प्रतिक्रिया है उसकी तीव्रता है उसको भी कम कर देते हैं। योगा आल्सो टीचेज अस टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसेस एज चैलेंज। और योगा हमें सिखाता है कि किस तरह से कि जो तनाव है उसको चुनौती के रूप में लिया जाए रादर देन थ्रीट धमकी की बजाय, अनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंटायरली। और किसी भी व्यक्ति को जो तनाव से संबंधित प्रतिक्रिया है उससे पूर्ण रूप से बचा जा सके। नॉट ओनली डज योगाज एबिलिटी टू एक्टिव द पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम, न केवल योगा की जो योग्यताएं हैं वो प्राणोपे तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती हैं, रिड्यूस स्ट्रेस एंड तनाव को कम करती हैं एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, और शरीर को अपने स्वयं के ठीक होने की अनुमति देते हैं। बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा आल्सो इम्प्रूव द बॉडीज इनहेरियंट हीलिंग एबिलिटीज। लेकिन जो योगा के अभ्यास हैं वो हमारे शरीर के जन्मजात जो उपचार की योग्यताएं हैं उनको बढ़ाने के लिए कार्य करता है। द इन्वर्टिंग ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग द अकर इन योगा पोस्चर से, इन्वर्टिंग बदलना, बल खाना, दबाना, ये सब चीजें योगाभ्यास के अंदर होती हैं। इनहेंस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और ये हमारे ब्लड या शरीर का जो सर्कुलेशन सिस्टम है उसको बढ़ाती हैं, सर्कुलेशन सिस्टम है उसको बढ़ाती हैं। दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन नॉट ओनली इम्प्रूव द बॉडीज एबिलिटी टू डिलीवर द मेटेरियल नीडेड टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस। और ये सब चीजें न केवल जो वो सब चीजें जो ठीक होने के लिए उस जगह पर आवश्यक होती है उसको आपूर्ति करने की कोशिश करती है, बट आल्सो एक्टिविटीज द लिम्फेटिक सिस्टम, लेकिन हमारे लसिका तंत्र है उसको भी सक्रिय करने का कार्य करता है टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, जिससे हमारा प्रतिरक्षी तंत्र है वो सामान्य कार्य कर सके एंड इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स, और इन्फ्लामेशन यानी सूजन से संबंधित प्रतिक्रिया में। योगा पोस्चर्स आल्सो इम्प्रूव मसल्स स्ट्रेंथ, और जो योगा के जो आसन हैं वो हमारी मसल्स यानी मांसपेशियों को ताकत को बढ़ाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन से लचीलेपन को और हमारी गति की प्रयास को बढ़ाते हैं। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग एंड प्रिवेंटिंग ऑफ मस्कुलोस्केलेटन डिजीज, और ये सब चीजें हैं ठीक करने में और रक्षा करने में जो हमारी मांसपेशी और कंकाल तंत्र से संबंधित बीमारी हैं उनसे भी दूर रखते हैं, सच एज आर्थराइटिस, जैसे आर्थराइटिस है या गठिया है, एंड ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का क्षरण होना है। योगा एम्फेसाइजेज ऑन डीप ब्रीदिंग कंबाइंड विद बैक बेंड इम्प्रूव लंग कैपेसिटी एंड फंक्शन से, योगा है उसके अंदर गहरे श्वास को और इसके साथ में ही पीठ को मरोड़ने से ये हमारे जो फेफड़ों की क्षमता
और क्रिया है उसको बढ़ावा करता है, बढ़ावा देता है। प्रैक्टिसिंग योगा आल्सो एनकरेज वन टू लीड ए हेल्दियर लाइफ स्टाइल। और योगाभ्यास का जो प्रयास है वो किसी व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य जीने के लिए, जीवन शैली के लिए प्रेरित करता है या बढ़ावा देता है। दो, यद्यपि डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन रिक्वायर फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। डेवलपिंग यानी स्वयं की जागरूकता और जो अनुशासन है वो हमारी सकारात्मक जो व्यवहार है उसके मॉडिफिकेशन के लिए आवश्यक है। वाहिल यानी जब योगा प्रोवाइड सच ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द बॉडी हीलिंग मैकेनिज्म। योगा है हमारे शरीर की जो बॉडी की मजबूत ठीक करने की प्रक्रिया है उसको मजबूत करता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू व्यू योगा एज ए एडजेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। और ये महत्वपूर्ण है कि योगा को एक सहायक और पूरक थेरेपी या उपचार के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए एंड नोट रिलाइड अपॉन एज द ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीज। और इसको केवल एकमात्र रोग को ठीक करने के उपचार के माध्यम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो ओके, थैंक्स।